सत श्री अकाल दोस्तों, साडा पंजाबी विरसा चैनल देख रहे सारे दर्शकों का एक बार फिर तो स्वागत करता हूँ। कहते ने कि विरासत नू सांभना हरेक दे वस दा काम ने। इस विरासत नू अज दे समय दे विच मेरे नाल पुरी जी ने जो इस विरासत नू बड़ी खूबसूरत तरह नाल इनू सांभिया होया है। इस विषय के उत्ते अज मैं इन्हां नाल गलबात करांगा कि कदों तो यह विरासत नू इन्हां ने सांभिया होया ते किवें इन्हां ने इस विरासत नू सांभ के रख के ते अज इन्ने खूबसूरती तरीके नाल साडे दर्शकां नू दिखा रहे। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। पहलां तां बहुत बहुत शुक्रिया, तुसीं अपना सानू कीमती समां दित्ता जी सर। ते मैं गलबात करांगा कि तुसीं बड़ा खूबसूरती तरीके नाल पूरे विरासत नू सांभिया होया है। हाँ जी। मैं देख रहा कि रिकॉर्ड प्रॉपर पए ने जी सर। किन्ने समय तो पुराना रिकॉर्ड तुसीं सांभिया होया, उहदे बारे जानकारी दो। मैं देखो जी, पहला रिकॉर्ड तो मेरे को 1901 का है जी। उन्हों सिलेंडर रिकॉर्ड कहते हैं। क्या बात। पाइप रिकॉर्ड होंगे जी। जी ठीक है जी। ठीक। बाकी 1905 का इंग्लिश रिकॉर्ड भी मेरे को इस तरह 1905 तो स्टार्ट ने जी। जी इंग्लिश रिकॉर्ड जे 10 इंची रिकॉर्ड होंगे वो 1905 का भी मेरे को रिकॉर्ड है जी। 1905 का जी। क्या रोटर फोक्स ने गाया जी वो जी। तो बाकी देखो जी लड़ी चलती है जो पंजाबी रिकॉर्ड तो 1960 के दौरान तकरीबन शुरू हुए ने। बड़ा खूब तुसी बड़े पुराने रिकॉर्ड गिनाए ने। हाँ जी। समय रहिंदे किवें ये तुसी सांभे रिकॉर्ड ते किवें ये लाइन नू तुसी चुनिया कि मैं रिकॉर्ड सांभने जरूरी समझिया। वैसे तो देखो जी, ये जिहड़ी खून दे विच हुंदी आ, देखो जे तुसी किसी चीज़ च इंट्रस्ट तां ही बनदा वा। जे कोई थोड़े घरदिआं ने थोड़े कारनामा कीता हुंदा समझ लो, जां कोई योगदान पाया हुंदा जी जी जी। ठीक है जी। मेरे इस तरह सी भी मेरे दादा जी पाकिस्तान तो एक ग्रामोफोन लियाए सीगे। पाकिस्तान तो? हाँ जी। क्या पाकिस्तान तो 90 चक टोभा टेक सिंह रहिंदे सी उह जी, ते उत्थों एक ग्रामोफोन लैके आए सीगे। ग्रामोफोन इहनूं ही कहिंदे ने आ। इह ग्रामोफोन कहिंदे ने जी। किन्ने क तरहां दे ग्रामोफोन हुंदे? ग्रामोफोन तां जी बहुत किस्म दे हुंदे ने जी। मेरे कोल 82 तरहां दे ग्रामोफोन ने। 82 तरहां दे ग्रामोफोन इस समें तुहाडे कोल उपलब्ध ने? हाँ जी हाँ जी, 82 मेरे कोल ग्रामोफोन हैगे ने जी। जी जिहदे विच मेरे कोल 3 रेडियोग्राम भी हैगे ने जी, 4 रेडियोग्राम जी। जिहदे विच मेरे कोल रेडियोग्राम है, एक साइड ते रिकॉर्ड प्लेयर हुंदी है, एक साइड ते रेडियो हुंदा जी। ओह ट्यूबां वाले रेडियो हुंदे ने जी। ओह च ट्यूबां वाले रेडियो हुंदे ने ते ओहदे च मतलब आपां देखो जिहड़ा पहला ग्रामोफोन रेडियोग्राम हैगा वह 1932 का जी। 1932। हाँ जी। वह हॉलैंड का बनया है जी। जी हाँ जी, फिलिप्स हॉलैंड। क्या बात। एक मेरे को ऑस्ट्रेलिया का हैगा जी। है नी। तो एक मेरे को इंडियन हैगा जी, दो मेरे को इंडियन ने। टोटल मेरे को 4 रेडियोग्राम है जी। ओके। हाँ जी। बाकी मेरे को अलग अलग चेंजर ने जिदे उत्ते 7 रिकॉर्ड पाने हो तो अलग अलग टाइम तक चल सकता। जे तुसी सुनते सुनते 100 भी जाओ तो 3-4 घंटे थोड़ा मज़ा आएगा। तो नॉलेज किवें मिली इस सारे रिकॉर्ड की? नॉलेज इस तरह जी, मेरे फादर साहब साउंड का काम करते सी। ओके ठीक है। साउंड का काम करके इन्हां कोल बड़े बंदे नॉलेज लैन आउंदे सीगे। फिर नॉलेज मैं तो उन्हों का खून हाँ, मेरे तो खून च ये चीज़ बननी सी ना। बननी थी। हाँ जी हाँ जी। ये फिर साढ़े खून च करंट पैदा हों तो फिल्म जी है ना, फिल्म आए नाल दी नाल मेरे मन च चली जाती सी। ठीक। वो फिल्म चलती चलती तो मेरे को देखो भी मैं जन दी इन्ना विरसा सामभ लिया इसे करके। बड़ा वधिया उपराला आ। हाँ जी। समझे आ भी विरासत भी सामभनी चाहिए है। हाँ जी हाँ जी। तो होर की कर रहे हो इस समय, जिंदगी किवें बतीत हो रही है? वैसे तो देखो जी, रोजी रोटी का साधन तो मेरी ना एक टायरों की शॉप आ साड़ी। ओके। किचन वेयर तो टायरों की शॉप आ साड़ी जी। गैस वगैरह असं रिपेयर करते हैं जी। अच्छा। गैस स्टोव वगैरह तो बाकी जेड़ा ये तो हैगा शौक की गल करते हैं तुम। शौक तो हम थोड़ा दसा भी जिम्मे खून च मेरे बसया हुआ ते बंदे नू देखो, जे किसे बंदे नू किसे चीज़ की कोई चस हुंदी आ, सुनन दा शौक हुंदा, पुराने गाने सुनन दा शौक आ, क्योंकि आपां रेडियो चलदा बजदा सुनदा रहे आ रहे हां। ते इस तरह मैं पुराने गाने सुनन दा बहुत शौकीन सी जी। ते इस करके मैं ये विरासत हौली हौली इकट्ठी करदा रहा जी। पंजाबी गायकी दे विच किन्ना क पुराना रिकॉर्ड रख्या होया इस समय? पंजाबी गायकी दे विच तुसीं देख लो भी मैं
जे कह लो तुसीं भी 1960 का मेरे को पंजाबी रिकॉर्ड होगा पहला 1960 ठीक है हाँ जी 60 ते मेरे को बहुत कलाकारा दे मैं गीत कट्ठे किए ने जी मैं देखो मेरे फादर साहब ने जरा साउंड का काम सीगा वो उन्होंने 88 चुनाव अलविदा कहती अच्छा वो साउंड का काम करते नाल साढ़े को पैट्रोमैक्स होंगे सके ये क्यों होंगे पैट्रोमैक्स जो पैट्रोमैक्स होंगे ना पैट्रोमैक्स आम बंद नहीं नॉलेज हैगी पैट्रोमैक्स इस तरह होंगे जी वो गैस हों टेंपरेरी लाइट अच्छा आम अजकल तो जी है आप कहने इनवर्टर लगा लियो जी 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 वो जोड़े होंगे सी ना कैरोसीन के नाल चलने वाले पैट्रोमैक्स होंगे सी ठीक ठीक देखो पिंडां दे विच कोई कणक कढ़दा सीगा कोई चौल वढ़दा सीगा ते जां कोई छलियां कढ़दा सीगा ते ओह पैट्रोमैक्स दे चानण दे जरिए ही कढ़दा सीगा साढ़े को पिंडां दे विच किराए ते लै जांदे सीगे जां फिर साढ़े ना ब्याह शादियां दे उत्ते उहनां नूं आपां कमरे दे विच टंग के ना ब्याह शादियां कुड़ियां नचदियां सीगियां गिद्दा पाउंदियां सीगियां ये पैट्रोमैक्स दे नाल साउंड दा काम ते नाल मेरे पिता जी फिर गुरबाणी विचार नाल भी थोड़ा तलकात रखते सीगे भी मतलब वो ज़्यादा ख्यालातां दे मतलब धार्मिक ख्यालातां दे वधिया सीगे बड़ा कूल हाँ जी हाँ जी ते बाकी मैं पिंडां च गुरद्वारा साहब सुनदा हुंदा सीगा जिवें आम तुसीं देख लो गुरद्वारा साहब च कोई रागी जत्था कोई जां भाई जी अपने पाठ नहीं करदा सीगा वो भाई साहब पाठ नहीं करते सीगे वो रिकॉर्ड ही चलते हुंदे सी जिवें आसा दी वार दे रिकॉर्ड हुंदे सीगे जी उहदा सैट हुंदा सी 10-12 पीस का उहदे जरिए आसा वार चलदी सी आसा दी वार जिहड़ा सुबह वाक लैंदे सी उह वी इस तरह ही वाक लैंदे सीगे ते कई वार तां जिहड़े अपने रागी ने गाउंदे ने झिम झिम वरसे अमृत धारा जां सर्व सांझी गुरबाणी जां कह लो बई लख खुशियां पातशाहियां ये सारे शब्द रिकॉर्डां ते चलदे सी जी ते मैं उत्थे भी चलदे देखणे ते मेरे फादर साहब चलाउंदे सी मैं गोल रिकॉर्ड जदों घूमदे देखदा सी ना बई इन्हां ने तां 88 च आके उहनूं अलविदा कह दित्ती 88 च इन्हां ने रिकॉर्डां नूं अलविदा कह दित्ती फिर तुसीं मैं 88 दे विच हैगा जी 10 साल दा सीगा जी फिर ये किवें फिर तालुक मैं इस तरह सीगा जी मैं 95 दे विच जदों 15 साल दी मेरी एज होई 15-16 साल दी एज सीगी जी मैं फिर आपदे फादर साहब नूं कहा भी अपने कोले ग्रामोफोन इक हैगा साढ़े दादा जी दा ये भी अपने को रिकॉर्ड नहीं हैगे अच्छा वो कहंदे यार कोई ना रिकॉर्ड हुण मिल जाणगे तू की करने आ मैं कहा तुसी देखो भी मेरे कोले हुण कोई रिकॉर्ड नहीं भी मेरा रिकॉर्ड सुनन नूं दिल करदा भी तुसी कपड़ा मारदे सी नवा रिकॉर्ड चला के दिखा दिंदे सी जी ये अपने कोल है नहीं ते वो कहंदे भी कोई गल नहीं तू हुण इकट्ठे कर ली मैं तैनूं 2-4 पुरानियां दुकानां दसदा क्या बात लो जी उन्होंने 2-4 पुरानियां दुकानां दसियां ते मेरी भुख पूरी नहीं हुई मैं फिर दिल्ली तक पहुंचा जी बॉम्बे तक गया बाकी सारे पंजाब दे विच मैं रिकॉर्ड इकट्ठे करने शुरू कर दिते जदों मैं रिकॉर्ड इकट्ठे करने शुरू कर दिते मेरा उत्साह बढ़ता गया जी हौली हौली तो उत्साह बढ़ता गया मैं देखा भी ये भाई रिकॉर्ड है तो किदां दी आवाज़ बड़ी वधिया आवाज़ आउंदी यार इस तरह रिकॉर्ड इकट्ठे करते करते भीरे अज मैं 26,000 रिकॉर्ड इकट्ठा कर चुका क्या ठीक है जी कभी कलाकार ने तुहाडे तक पहुँच बनाई जां होर किसी संस्थावां ने भी तुसीं इन्ना वड्डा विरासत नूं सामना कोई छोटी मोटी खेड तां देखो जी मेरी गल सुनो ये ना कोई परमात्मा की देन ही आ मैनू बड़ा पुराने गाणा नाल लगा हैगा बिल्कुल मैं वो भी देख रहा हाँ जी हाँ जी पुराने गाणे नाल लगा हैगा देखो जी देखो भी मैं एक गीत सुनिया कुड़ी लुधियाने दी ते मुंडा कश्मीर दा क्या जी जदों मैं एक जगह ते एग्जीबिशन लगी सी जदों एग्जीबिशन दे विच मैं गाना सुनाया ते उत्थे 12 पत्रकार सीगे जी अच्छा 12 पत्रकारां ने बाकी सारे क्राउड नूं छड्ड के उन्होंने मैनू संभाल लिया मैनू कहंदे जी ये गाना तुसीं सुनाया है ये कौन कलाकार आ मैं कहा जी तुसीं इस टाइम 200 बंदे दे विच खड़े हो तुसीं 200 बंदे नूं पुछो भी ये किहड़ा कलाकार आ बाकी मेरे देख लो भी मेरे खून च इन्ना करंट सी जां मेरे पुरखां ने मैनू ये दस्या होया सीगा भी मैं 100 को तो आवाज़ पछाण के दस सकदा भी ये किहड़ा कलाकार आ ये मुहम्मद रफ़ी आ ये सुरिंदर कौर आ ये जमला जी ने ये कौन आ वो जिहड़ी कुड़ी लुधियाने दी सीगी मुंडा कश्मीर दा वो सीगी जी शमशाद बेगम
ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸ਼ਿਵਸ਼ਾਦ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੀਤ ਗਾਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਗੀਤ ਗਾਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੁਪਰ ਉੱਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਗੀਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੀ 1960-62 ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ 2020 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ 1960 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 80 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। 80 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਰਾਸਤ ਇੰਨੀ ਸਾਂਭੀ ਪਈ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਜੀ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੋਕ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ 80 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 60 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਜੀ, 60 ਤੋਂ 120 ਹੋਏ ਜੀ। ਜੀ 60 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ ਭੰਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗੀਤ ਹੋਣ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਨਿਆਬ ਗੀਤ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਗੀਤ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਚੈਲੇਂਜ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੀਤ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ 1915 ਦਾ ਟਰੰਕ ਹੈਗਾ, ਸੰਦੂਕ ਹੈਗਾ 1896 ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, 1896 ਦਾ ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ 1896 ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਕਲਾਕਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਲਾਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਫਰੀ ਆਪਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਢਿੱਡ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ, ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਾਸਲ ਕਰੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਪੈਸੇ ਭਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਆਪਾਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦਾਂ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪੀਸ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਟੱਚ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਇਲਾ ਵਰਗੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੂਗੀ। ਕਿਆ ਖੂਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਫੈਮਿਲੀ ਬੰਨੀਓ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਦੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤਾਨੀਆਪੁਰੀ, ਤਨਜਪੁਰੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੀਕੇਪੁਰੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ 80 ਸਾਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 120 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਏਜ਼ ਵਧੂਗੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ FM ਗੋਲਡ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ? ਕਿਆ
देखो आकाशवाणी जलंधर चलता कोई इंस्ट्रूमेंट इदा का लाओ मेरे घर कोई मैं वो तो प्रसारण कर सकता मैं 15 मिनट दे दें अद्धा घंटा दे दें एक दिली रूह की ख्वाहिश आ मैं दिली रूह की ख्वाहिश हाँ मैं किसी तो कोई चैक नहीं चाहता मैं कोई लक्कड़ का मोमेंटो नहीं चाहता कोई सोने का मोमेंटो नहीं चाहता कोई मैं विरासत बेचनी नहीं चाहता किसी को मैं किसी संस्था को नहीं विरासत देनी मैं अपने घरों प्रसारण करा प्रोग्राम ऐसा कोई उपराला किया जाए तो मैं मंत्री साहबान का शुक्रगुजार होऊंगा जब अपने मुख्यमंत्री साहब का होऊंगा तुसी बड़ा वधिया दस्या हाँ जी कि मैं कोई ऐसा चैनल तो 15 मिनट ही चाहे मैं मिलन हाँ जी जरूर प्रसारण किया जाए जी सर असी एक कैमरे के थ्रू इस चैनल के जरिए हर संडे इस प्रोग्राम के जरूर दिते जाएंगे पर पंजाबी गायकी बड़े सुचजे ढंग रूबरू किया जाएगा इन्होंने मैं धनवादी हाँ जी बहुत धनवाद है ना करदा इन्हों का चैनल वालों का जे मैं प्रसारण करते हैं तो बड़ी खुशी वाली गल हर एक पुराने कलाकार का पुराना गीत सुनावगा ग्रामोफोन के जरिए मैं मैनुअल ग्रामोफोन के जरिए इलैक्ट्रॉनिक ग्रामोफोन के जरिए ट्यूबा लिए ग्रामोफोन के जरिए वधिया प्रसारण करके दिखावगा तो जे कोई गलती हो गई तो माफ़ी चाहता वा तुहाडा अजीत दोस्त पूरी सराबे वाला संजीव पुरी सत श्री अकाल दोस्तों दोस्तों ये सन मेरे नाल पुरी जी जिन्होंने बड़े सुचजे ढंग विरासत सांभिया होया साडा पंजाबी विरसा प्रीत डुगरी दे नाल।